नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू हेल्प में। सभी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी सूचना है दोस्तों। जैसा कि आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2024 को कोई अवकाश नहीं था। यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी की गई है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा और 11 अक्टूबर 2024 को महानवमी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इसके बारे में जो विज्ञप्ति जारी की गई है, चलिए स्क्रीन पर आप देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, थोड़ा जूम कर दें जैसा कि आपको आसानी से दिख जाए। उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन अनुभाग, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक 10 अक्टूबर 2024 यानी आज की विज्ञप्ति जारी हुई है। विज्ञप्ति जो जारी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य प्रशासन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या 528 यहाँ पर देख सकते हैं 4 दिसंबर 2023 द्वारा वर्ष 2024 हेतु निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन घोषित राजपत्रित अवकाशों के अंतर्गत प्रस्तर 2 के क्रमांक 19 पर दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को महानवमी के साथ साथ दशहरा के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं जो 4 दिसंबर 2023 को यहां पर कैलेंडर बना था उसमें 12 अक्टूबर 2024 को महानवमी और दशहरा दोनों का अवकाश घोषित किए गए थे। इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारों उपरांत विज्ञप्ति दिनांक 4 दिसंबर 2023 द्वारा महानवमी के अवसर पर दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को घोषित सार्वजनिक अवकाश के स्थान पर दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को महानवमी के अवसर पर एतद् द्वारा सार्वजनिक अवकाश आवश्यक सेवाओं को छोड़ते हुए घोषित किया जाता है। दशहरे के अवसर पर दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को घोषित सार्वजनिक अवकाश यथावत रहेगा। इस संबंध में विज्ञप्ति संख्या आप यहां पर देख सकते हैं 4 दिसंबर 2023 को उक्त प्रस्तर 2 की सीमा तक संशोधित समझा जाए। यहां पर आप देख सकते हैं जितेंद्र कुमार अपर मुख्य सचिव, यहाँ पर नीचे इनके यहाँ पर हस्ताक्षर हैं। उमेश यादव उप सचिव के यहाँ पर हस्ताक्षर भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2024 यानी कल शुक्रवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़ते हुए अन्य सभी कार्यालय बंद रहेंगे। तो ये थी दोस्तों सूचना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें।